हेलो नमस्ते, मैं इंदु आहूजा। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एकदम खुश होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। अक्सर मुझे ये मैसेज आते हैं कि आखिर हम कौन से उपाय कब करें, हमें समझ में नहीं आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार बहुत सारे उपाय होते हैं, अब इसमें से करना कौन सा है? तो पहली बात तो ये कि मैं आपको बताऊं कि देखिए, हर टॉपिक पे ना आपको काफ़ी सारे रेमेडीज़ मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। मान लो कि पैसे से रिलेटेड आपको 20-25 मिल जाएंगे, कर से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे, हेल्थ से रिलेटेड मिल जाएंगे, हर टॉपिक पे आपको उपाय हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अब उसमें से जो आपको कम्फर्टेबल लगता है, आपको लगता है कि नहीं ये मैं आसानी से अच्छे से कर पाऊँगा, कोई कोई उपाय होता है ना आपको अंदर से आवाज़ आने लग जाएगी कि नहीं ये उपाय जैसे मेरे लिए ही बनाए, मुझे पूरा विश्वास है ये उपाय करने से मेरा काम हो जाएगा। बस जब वो आपको इंस्टिंक्ट लगे, वो उस उपाय को आप ज़रूर से कीजिए, क्योंकि आपके मन से आवाज़ आई तो वो उपाय आप पे काम करेगा ही करेगा। लेकिन आज इस एपिसोड में मैं ऐसे एक उपाय के बारे में आपको बताने वाली हूँ जब आपको कुछ भी जीवन में समझ में नहीं आए कि आखिर कौन सा उपाय करना है, क्या मुझे करना है, नहीं समझ में आए, कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है या कोई एक आपकी इच्छा जो बहुत वक्त से आपकी पूरी नहीं हो रही है, आप चाहते हैं कि अब मैं थक चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो एक रेमेडी है जो सभी पे काम करती है। अगर आपने कर्म सही किए, विश्वास अपना स्ट्रांग रखा है, तो हर किसी के लिए ये काम करेगी। बस थोड़ा सा इसमें जो मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, वो आपको थोड़ा सा वहाँ पे अपने अनुसार चेंज करना है। यानी कि मैं आपको उपाय तो बताने जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा उपाय आपको उसमें अपने हिसाब से बनाना होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये स्ट्रांग उपाय। इसमें उपाय में क्या होता है कि आपको मेन जो तत्व होते हैं उसका बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सारी चीज़ें एक ही वक्त पे एक ही साथ वो बैलेंस हो जाए तो ऑटोमेटिकली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उसकी वजह से आपकी जो मैनिफेस्टेशन है या आपका जो मान लो कि आपकी जो इच्छा है वो बहुत ही जल्द अच्छे से स्ट्रांगली काम करने लग जाती है। ठीक है, मैं आपको इसको समझाती हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले जब आप ये उपाय करेंगे, चाहे वे फो कोई भी मंत्र हो या कोई भी किताब हो जो भी आप रेगुलरली पढ़ते हैं, आपको सारा नहीं करना है, बहुत कुछ नहीं करना है। जब आप बहुत कुछ करते हैं तभी भी कोई चीज़ काम नहीं करती, क्योंकि सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। आप एक करें लेकिन उसको अच्छे से करें। मान लो कि 5 मंत्र कर रहे हैं, सिर्फ करने के लिए नहीं करना है, लेकिन कोई तो एक मंत्र होगा जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता होगा करने में, आप जिससे कनेक्ट करते होंगे। आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये मंत्र करने से ये हो जाएगा, ये पर्टिकुलर पढ़ने से ये हो जाएगा। जैसे हनुमान चालीसा एग्जांपल बताती हूँ, ठीक है, जो भी चीज़ से आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो एक चीज़ आपको लेके चलनी है, चाहे फिर वो कोई भी हो। आप चाहे हनुमान चालीसा ले, दुर्गा कवच ले, या अगर कोई पर्टिकुलर मंत्र लेना है तो मंत्र ले। ये पहला हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे आप चूज़ करेंगे अपने अनुसार जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब सेकंड पॉइंट, आपको यहाँ पे ये फिक्स करना होगा कि आप इसको कितनी बार पढ़ेंगे। मान लो कोई एक किताब है हनुमान चालीसा है, तो आप इसको 11 बार करेंगे, 21 बार करेंगे, ये भी आप डिसाइड करेंगे। जो भी आप डिसाइड करेंगे उस पर ही आपको कायम रहना है, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार आप करेंगे। अगर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप में आपको काउंटिंग में ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अगर आपका काउंटिंग पे मंत्र में ध्यान रहेगा तो मंत्र आप अच्छे से उतना नहीं कर पाएंगे। किताब में आप काउंटिंग कर सकते हो, आप बराबर कर सकते हैं, लेकिन मंत्र में प्रॉब्लम आएगा। तो मंत्र में आपको क्या करना है, एक टाइम फिक्स करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपको क्या करना है, ताकि आपका टाइम पे बार बार ध्यान नहीं जाए। आप एक अलार्म या साइड में एक टाइमर लगा के रख दें, ठीक है, ताकि वो अपने आप जब बजेगा बजेगा, आपका ध्यान पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका मंत्र पे होगा। तो इस तरीके से ये आपने चीज़ें फिक्स कर ली, चाहे आप मंत्र करें या किताब करें, कोई भी एक चीज़ आप करना, कोई भी देवी देवता जिसको भी आप मानते हैं, कोई भी एक चीज़ करना, ये पहला हुआ। दूसरा, आपको यहाँ पे ये मान के चलना है कि आप इसको 11 दिन के लिए करेंगे या 21 दिन के लिए करेंगे। दिन भी आपको यहाँ पे फिक्स करना है, या तो 11 या 21, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस टाइम पे आप इसको करेंगे। आप सुबह कर रहे हैं तो सुबह ही करेंगे, आप शाम को कर रहे हैं तो शाम को ही करेंगे, सुबह 11 बजे कर रहे हैं तो 11 दिन तक वो 11 बजे ही होगा, आधा घंटा आगे पीछे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका शेड्यूल में कौन से टाइम पे आप 11 दिन ही करेंगे। दूसरी बात, पीरियड्स की अगर आपको समस्या है तो हर लेडीज़ को अपने पीरियड्स की डेट पता रहती है, तो जैसे आपके पीरियड्स क्लियर हो जाए तो 4th डे या 5th डे से आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स 11 दिन तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर जिनको 15 दिन में भी पीरियड्स की आने की प्रॉब्लम है तो भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑटोमेटिकली 11 दिन में आपका ये कार्य हो सकता है,
ठीक है। अब इसके बाद जो पॉइंट है, जिस जगह पे आप बैठेंगे उसी जगह पे 11 दिन तक या 21 दिन तक आपको बैठना है, चाहे फिर वो कहीं पे भी हो, आपके रूम में हो, पूजा स्थान में हो, कोई डायरेक्शन इसमें नहीं देखना। ये पहले दिन पे ही आपको सारा फिक्स कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें निर्धारित हो गई। अब यहाँ पे 5 एलिमेंट्स यानी कि 5 तत्वों का बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये 5 तत्व बैलेंस होते हैं हमारे जीवन में तो आपकी जो एनर्जी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, आपके कार्य बहुत ही फास्ट होने लग जाते हैं। तो वो 5 तत्व कौन से हैं? पहला होता है अग्नि, दूसरा होता है जल, तीसरा होता है पृथ्वी तत्व, चौथा होता है धातु, पाँचवा होता है वायु, ठीक है, या आकाश उसको बोल सकते हैं। अब अग्नि के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी दिया जलाएंगे। अगर आप टी लाइट कैंडल जलाना चाहते हैं तो आप टी लाइट कैंडल भी जला सकते हैं, नॉर्मल कैंडल भी जला सकते हैं, तेल घी उससे मायने नहीं रखना, अग्नि मेन है। यह हुआ पहला। दूसरा, जल के लिए आप क्या करेंगे, किसी भी ग्लास में या बाउल में, कोई भी मटेरियल का उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जल लेके थोड़ा सा आपको रखना है। तीसरा, आपको या तो कोई भी फूल लेना है, चाहे फिर वो कोई भी फूल हो, या आपको कोई भी पत्ता लेना है, तुलसी का पत्ता, वो आप पानी में डाल सकते हैं या अलग से भी आप रख सकते हैं। अगर फूल भी नहीं है, पत्ता भी नहीं है, दालचीनी का एक टुकड़ा ले सकते हैं या तो एक लौंग ले सकते हैं। इन चारों में से कोई भी एक चीज़ आप आगे रखिएगा या अपने हाथ में रखिएगा, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। ये हुई तीसरी चीज़। चौथी चीज़, आपको क्या करना है, या तो कपूर जलाना है, अपने आगे धुआं करना है, या अगरबत्ती जलानी है, गूगल धूप जलाना है। अगर आपको धुएं से प्रॉब्लम है तो सिंपल आगे पहले और बाद में थोड़ी सी घंटी बजा दीजिए ना, साउंड एनर्जी दे दीजिएगा। अगर आप धुएं का नहीं कर सकते तो आप साउंड एनर्जी कर दीजिएगा, ठीक है। अब पांचवा तत्व, आपको क्या लेना है, कोई भी एक सिक्का ले लेना है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पांचों चीज़ें इकट्ठी हो गई, रोज़ ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। अब अगर आप फूल, पत्ता, ये लौंग या कुछ भी ले रहे हैं, रोज़ आप नया नया लेंगे, उसको इकट्ठा करते चले जाए, 11वें दिन पे आप पेड़ के नीचे डाल देंगे। जल जो आपने रखा है वो आप खुद ही बाद में पूरा पी लेंगे। और कोई भी एक इच्छा के लिए, ये सारा जो मैंने आज आपको प्रोसीजर बताया, कोई भी एक इच्छा के लिए आप करेंगे, 4 या 5 इच्छा, उसमें से कौन सी एक इच्छा जो आप करना चाहते हो उसके लिए करें। आपका 11 दिन का, 21 दिन का है, भले इस बीच में ज़रूरी नहीं कि आपकी इच्छा पूरी हो, बस आपने वो कार्य कर दिया, उसके बाद वो छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, जब उसका टाइम आएगा वो कार्य आपका हो जाएगा। इन 11 दिनों में या 21 दिनों में अवॉइड कीजिएगा नॉनवेज, खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्यों मना कर रही हूँ कि जैसा अन्न वैसा मन, अगर आप खाएंगे तो वैसा ही आप पे दिमाग पे इफ़ेक्ट होगा। इसमें दिमाग शांत रहना बहुत ही ज़रूरी है, तो अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। दूसरा, इसमें आपको अवॉइड करना है किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना, गॉसिप नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी, अपने आप को जितना हो सके क्लियर करना है, जिसको जो करना है करो, अपने आप को कूल डाउन रखने की कोशिश करना। अगर आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, 1 ग्लास पानी ले लीजिए, पानी में ओम नमः शिवाय बोलिए, बोलिए मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं खुश हूँ, धीरे धीरे घुट घुट वो पानी पी लीजिए, आप अपने आप ही शांत हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से 11 दिन या 21 दिन जो भी करना है, कूल डाउन होके ये प्रोसीजर कीजिएगा, सही कर्म रखिएगा, इच्छा को आप दिल से आप करते हुए इन उपायों को ईश्वर पे छोड़ दीजिएगा, ज़रूर आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। आप मुझे खुद कुछ ही दिनों में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ, आपके जीवन की इच्छाएं पूरी हो रही है, आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है। पांचों में जो आपको मैंने पांचवा तत्व बताया, वो जो सिक्का है, वो एक ही सिक्का रोज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 11 दिन या 21 दिन हो जाए, उस सिक्के को आप ले लीजिए, या तो तिजोरी में रख दीजिए, जब तक आप चाहते कि वो इच्छा पूरी नहीं हो तब तक आप उस सिक्के को संभाल के रख सकते हैं, बाद में धर्म स्थान पर डाल के या किसी को दे दीजिएगा, या रोलिंग भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। तब तक उस सिक्के को आप संभाल के रखिएगा, बस यही एक चीज़ आपके पास रहेगी, इसको आप ज़रूर से कीजिएगा। अब ये इच्छा आपके लिए भी हो सकती है, किसी और के लिए भी हो सकती है, जो आज मैंने आपको बताया ना, एक बार इसको विश्वास साथ करके देखिएगा, जरूर कीजिएगा। आप मुझे खुद कमेंट करके बताएंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आता चला जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों की भी प्रॉब्लम्स दूर हो पाए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मिनट के उपाय आप देखना चाहते हैं तो हमारा और एक चैनल है आईकिया शॉर्ट्स, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।